अलमेक गाइस जैसा कि हम लेक्चर इस्लामियात की सीरीज़ में बना रहे हैं आज हमारा टॉपिक है जंग अहद ये इस्लाम की दूसरी जंग है अब ये जंग कब हुई और इसमें क्या क्या नतज हुए किस वजह से मुसलमानों को इस जंग में शिकस्त मिली और कौन से लीडर्स थे इन सब को हम कवर करेंगे जो जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कवर करेंगे सबसे पहले बताता चलूँ ये जो अहद है अहद जबल है मतलब एक पहाड़ का नाम है किसका पहाड़ का नाम है उहद पहाड़ तो वहीं पे यह जंग लगी थी उसी के मैदान में जंग लगी थी ये सन तीन हिजरी में लगी थी कब सन तीन हिजरी में ठीक है अहद की जंग लगी थी आप लोगों ने याद रखनी है सन तीन हिजरी में ये अहद की जंग लगी थी और ये अहद पहाड़ है और वहीं उसी मैदान में ये जंग लगी थी मुसलमान और मक्का के कुफार के बीच में आपको बताया कि जैसे कि बदर में जो कुफार थे उनको बहुत बुरी शिकस्त मिली उसके बाद जो मक्का के कुफार थे उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने दावा बोल दिया कि हमने फिर मुसलमानों के साथ जंग करनी और इस बार जो जंग होने वाली थी बहुत ख़तरनाक होने वाली थी अब क्या था पहले हम तादाद पढ़ेंगे कि इसमें मुसलमान और कुफार कितने थे ठीक है ये चीज़ है अब इसमें जो मुस्लिम शामिल थे जो मुस्लिम थे वो थे तकरीबन सात सौ ठीक है और जो कुफार थे उनका जो लक्षर लश्कर था वो बहुत ज़्यादा था मतलब तीन हज़ार उसमें जो है जंगजू शामिल थे अब मुसलमानों की जो जंग की जो तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कुफार की अगर हम बात करें तो इनका जो लीडर था जंग का वो अबू सुफिया था कौन था अबू सफयान अब इनका जो लीडर था अबू सुफियान था जो हम मुसलमानों का लीडर था वो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आगे चलते हैं इसके बारे में कवर करते हैं कि मुसलमानों को इसमें शिकस्त क्यों मिली अब जबकि मुसलमान थे सात सौ और कुफार कितने थे तीन हज़ार मतलब जंगजू थे तो ये बहुत ख़तरनाक जंग हुई थी जंग उहद जिस जिसका नाम है उसके पहाड़ी के, के करीब आप ने क्या किया कि पचास मुसलमानों को क्या पचास मुसलमानों को कहा कि भाई आप ये जो अहद पहाड़ है उसका उस उसमें से जो रास्ता आ रहा है वहाँ आप तैनात हो जाएं और आपने वहाँ से हटना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए कितने वहाँ पे खड़े हुए पचास जो जंगजू थे आप सलाम ने वहाँ खड़े किए और उसके बाद जंग दावा की गई और इस जंग के हवाले से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है इसमें मुसलमान जो थे तकरीबन सत्तर मुसलमानों की शहादत हुई जिनमें हज़रत हमजा रजाल्ल्ला तह भी शामिल थे कौन शामिल थे हज़रत हमजा रजाल्ला तह शाम थे तो वो भी इसी जंग में शहीद होए और इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा लाश हुआ किस लिए लाश हुआ मैं बताता हूँ अब जंग जब चल रही थी तो मुसलमान ये जो पचास थे जो पहाड़ी पे खड़े हुए थे जो आप के हुक्म पे वहाँ गए थे तो उन्होंने देखा तो अब तो हम जंग जीत रहे हैं क्यों ना हम जो है जाके नीचे जंग में हिस्सा लें तो उन्होंने ये पहाड़ी छोड़ दी जबकि आप ने कहा था कि आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी चाहे हम जंग जीतें या हारें मगर आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी तो जब इन्होंने ये पहाड़ी छोड़ी तो क्या हुआ काफ़रू का एक और लक्ष लश्कर था यहाँ से अंदर आया तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ और सारे मुसलमान भी ये मारे गए थे तो ये बहुत ज़्यादा अहम वाक़ था जो मैंने आप लोगों को बताया और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी बताता चलूँ जो हज़रत हमजा की शहादत हुई थी जिस बंदे के हाथों उसका नाम था वैशी बिन हारब वैशी बिन हारब उसका नाम था उसने हमजा थे उनकी शहादत की उन्हें मतलब शहीद किया था और दूसरी यहाँ पे बात है कि इस इस जंग में जो मुसलमानों का झंडा था या जंग जो मुसलमानों का फ्लैग था वो किस बंदे के पास था वो हज़रत मुसब किसके पास हज़रत मुसाब मु ठीक है तो उनके हाथ में था मुसलमानों का झंडा उनके हाथ में था और उसके बाद अगर हम देखें कि मुसलमानों के पास कौन से हथियार थे कितने हथियार थे अब मुसलमानों के पास सिर्फ मैं आप लोगों को बताता चलूँ चार हार्समैन थे जंग लड़ने के लिए चार घोड़े सवार थे और अगर हम बात बिल्कुल कम तादाद है ये बिल्कुल कम तादाद है और अगर हम देखें कि बन के उन काफ़रों के पास कितने लोग थे और कितने तीन हज़ार लोग थे और तीन हज़ार ही मतलब उनके पास ऊंट थे जिन पे वो लड़ाई कर रहे थे और उनके पास 200 पूरे 200 सौ थे जंग के लिए जंगजू थे तो ये ज़्यादा तादाद तादा था मुसलमानों का बहुत कम ही तादाद था इसके बरक्स और इसी जंग में नौज़ बिल्ल आपली व्लम का दांत भी टूटा था तो आपसे आप ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि वो कौन सी जंग थी या वो कौन सी इस्लामिक बैटल थी जिसमें वसल्लम का जो दांत शहीद हुआ था तो वो जंग अहद है ये भी आप लोगों ने याद रखना है और किस सूरह में जंग अहद का हवाला दिया गया है वो सूरह आल इमरान में आया है ये भी आपने याद रखना है सूरे आल इमरान में इस जंग का वाक़ बयान किया गया है अच्छा सेकंड यहाँ पर और बात आती है कि मुसलमान सात सौ थे मगर यहाँ पे अब्दुल्ला बिन उबेद कौन अब्दुल्ला बिन इसने क्या किया अपने 300 जो जंगजू थे वो मुसलमानों से सेलहदा कर दिए ये क्या था ये मुनाफिक था और इसे जैसे पता चला कि काफिर जो हैं जंग करने आ रहे हैं मुसलमानों से इसने क्या किया अपना जत्था जो था 300 लोगों का वो अलहदा कर दिया मुसलमानों से और यहाँ पे एक और भी इंसिडेंट था कि इसी जंग में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस इस्लाम की जंग में औरतों ने सबसे पहले हिस्सा लिया था तो वो जंग थी जंग अहद उसमें औरतों ने लिया किस लिए मुसलमानों को फ़र्स्ट एड देने के लिए जो मुसलमान वहाँ पे शहीद हो रहे थे या जो जख्मी हो रहे थे उनको फ़र्स्ट एड देनी थी तो सबसे पहले इसी जंग में औरतों ने हिस्सा लिया था और इसी जंग में आप अलैहि वसल्लम का दांत भी शहीद हुआ था और ये आपने याद रखना है और इसमें ये भी आपने याद रखना है कि इस लश्कर मतलब कुफार के लश्कर का जो लीडर था वो अबू सुफियान था और मुसलमान के जंगजू जो थे मुसलमान या जो लश्कर था उनका जो लीडर था आप वसल्लम थे और इसमें जो वाक़ पेश आया सत्तर मुसलमान शहीद हुए और बहुत बड़ा लॉस हुआ था और ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि जो ओहद की पहाड़ी है जहाँ से रास्ता आ रहा था उधर कितने मुसलमान खड़े कर दिए गए थे आप के हुक्म पे वो पचास थे और उसके बाद ये है कि हज़रत हमज़ा की किस जंग में शहादत हुई थी तो वो जंग है और किसके हाथों हुई थी वैशी बिन हारब मतलब के हाथों हुई थी और मुसलमानों का फ्लैग किसके हाथ में था तो वो हज़रत मुसाब बिन उमैन के हाथ में वो था अच्छा ये किस सूरा में जंग बयान की गई है ये जंग आल इमरान में बयान की गई है यहाँ पे थोड़ा और डिस्क्राइब करता चलूँ कि ये जो जंग अहद है ओहद कहाँ पे है ये मदीना से तीन मील की दूरी पर ये पहाड़ है और ये मदीना के नॉर्थ में है कहाँ पे? नॉर्थ में ये वाक़ है पहाड़ ये आपने याद रखना है ये सवाल भी आ सकता है आपसे तो आज के लेक्चर में इतना